या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जी हाँ, जहाँ इनमें नारियों को देवी का स्थान दिया गया है, वहीं नारियों को शक्ति का रूप कहा गया है। तो ऐसे ही नारियों की शक्ति को और उन्हें देवी का स्थान जिसे दिया गया है, इन सारी चीज़ों को भी हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नारी सशक्तिकरण। नमस्कार, मैं सुरभि आनंद, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज़। आज हम अगर बात करें नारी सशक्तिकरण की, तो सही मायने में नारी की शक्ति में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। अगर हम देखें प्राचीन समय की बात, तो वहाँ जहाँ नारियों को सिर्फ देवी कहा जाता था, आज नारियों की बहुत सारी जगहों पे स्थितियाँ सुधार आई हैं। आप देखो, जहाँ अगर हम बात करें पुरानी प्राचीनतम सभ्यता में हमारी सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जिनसे नारियों को हमेशा प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। आज के डेट में नारियों को इन सारी प्रताड़नाओं से, इन सारी बाल विवाह की कुरीतियों से काफ़ी हद तक राहत मिली है। इसी को लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद है दो बुद्धिजीवी महिलाएं, जिनसे हम जानेंगे ये महिला सशक्तिकरण वास्तविकता में है क्या। तो हमारे साथ हमारी एक गेस्ट है जो भावना गुप्ता जी हैं, जो प्ले स्कूल की डायरेक्टर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। दूसरी महिला हमारे साथ हैं प्रकोष्ठ लोजपा पार्टी से अंजलि रॉय, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त महिला हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी राय। सबसे पहले मैम, आप दोनों का हमारे इस शो में स्वागत है जी। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक शिक्षिका भी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अपने आप में। तो आपसे मैं एक सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि वास्तविकता में ये नारी सशक्तिकरण, जो हमारा एक टॉपिक है आज का, ये वास्तविकता में है क्या ये नारी सशक्तिकरण? जी मैम, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो नारी सशक्तिकरण जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये अपने में एक फीलिंग ला देता है कि हम नारियाँ किसी तरह से कमज़ोर हैं और हमें सशक्त बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि जो हमारा समाज है वो नारियों को सशक्त समझे, उनको सशक्तिकरण की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, आपने जो कहा कि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और समाज सेवा करती हूँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से एक जिम्मेदारी जो हमारी टुवर्ड्स जो सोसाइटी है उसके प्रति हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिकली एक चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हम जो समाज में जो लोग हैं उनको अपनी सोच को बदलना है, उस चीज़ से हम नारी को किस तरह से हम ऊपर उठाएं, ताकि जो भी चीज़ें हमारे हमें जो सशक्त बनाती हैं, वो सारी चीज़ों के लिए उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो ये पुरुष प्रधान देश हम कहते हैं, उन पुरुषों को हमें समझाने की ज़रूरत है कि नारी को वो दूसरे श्रेणी में ना रखें, वो अपने से अपने कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलें, ताकि जो एक कहा जाता है इकॉनमी किसी देश की जो है वो डेवलप्ड तभी कहलाती है जब वहाँ के दोनों नर और नारी दोनों मिल के काम करते हैं। हमारी इकॉनमी अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो 48% सेक्टर है जो वुमेन ओरिएंटेड है, उसमें से मात्र 21% ही लोग अभी काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं हम भी विकसित देश में माने जाएँ। धन्यवाद। जी मैम, आपने बहुत सही बात कहा कि जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो नारी सशक्तिकरण ये शब्द ही क्यों आया, क्योंकि मैम ने कहा कि नारी तो खुद ही में एक शक्ति है, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा कहा गया है इतिहास में भी। तो ये नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत नारियों को नहीं है, आपको शुरुआती से नारी को शक्ति और देवी का रूप आपने कहा है, तो उसे वास्तविकता पटल पर एक और आपकी तरफ से जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे आप आगे बढ़ाएँ। जी मैम, आप से मैं पूछना चाहूँगी कि ये राजनीतिक क्षेत्र जो वहाँ पे राजनीतिक स्तर पे नारियों की जो स्थिति है आज, वो वास्तविकता पटल पे क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में नारियों की क्या भूमिका है? राजनीति क्षेत्र में नारियों की भूमिका अहम है, और इसे सरकार और हम जितनी भी पार्टियाँ हैं, जहाँ तक देखा जाता है अमूमन सारे पार्टियाँ में
हर पार्टी में एक महिला दल होता है, महिला प्रकोष्ठ होता है, और महिला प्रकोष्ठ होने के नाते और महिला राजनीति में आने के नाते बिल्कुल बराबरी का साथ है, बराबरी का हकदार है, और हर जगह पे वो लोग साथ साथ चल रहे हैं। और पार्टी में, पार्टी को मनोबल, पार्टी को मजबूत करने में नारी का बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। मजबूत करने के लिए नारी की अहम भूमिका होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कहा जाता है हमारा समाज जो प्रतिसत्तात्मक है उसे कहा गया है, तो राजनीतिक क्षेत्र में नारियों को वो सम्मान, वो इज्जत मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। जहाँ तक हर जगह, हर समाज में, हर परिवार में, हर देश में नारी को समाज बिल्कुल मिल रही है, बट कुछ हीन सामाजिक लोग हैं जो समाज के कुछ हीन दृष्टि के लोग हैं, जिसके वजह से कहीं कहीं हमारा देश शर्मसार होता है। कभी कभी हमारे समाज में भी कुछ कहीं कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसे सम्मान में कमी दे रहा है। अब सम्मान की जहाँ तक बात है या साथ ही बात है, तो महिला हर जगह पे अहम है और अहम थी, है और रहेंगी भी आगे भी। जी मैम, जी मैम, आपने कहा ये सही बात है। मैम ने कहा कि नारी शक्ति जो कि हमेशा ही अहम रही है, बिना नारी के समाज की, इस देश की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो राजनीतिक क्षेत्र में मैम ने कहा कि नारियों की स्थिति इतनी शोचनीय नहीं है, जैसा कि देखा गया है, सुना गया है कि राजनीतिक क्षेत्र को लोग ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, कहते हैं राजनीति में बहुत बुरी चीज़ है, कुछ ऐसी बातें सुनी है हमने, वहाँ नारियों का शोषण होता है। तो क्या मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वास्तविकता में नारियों का शोषण होता है या आंकड़े ये गलत है? मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कहना चाहूँगी आपसे कि हर एक फील्ड ऐसा होता है जहाँ नारियों को बच के वहाँ से निकलना होता है, क्योंकि जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ गलत लोग भी होते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में नारियों को आप कैसे कहना चाहोगी कि वो सुरक्षित रहें, अपने आप को बचा के इस फील्ड में आगे तक जाएं? जी मैम, मेरा क्वेश्चन यही था। देखा जाए तो समाज में या राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ तक नारियों की सवाल उठती है कि ये सुरक्षित हैं या वो आगे बढ़ती हैं या कहाँ तक सुरक्षित हैं, तो सबसे पहला जिम्मेदारी तो नारी खुद ब खुद ही होती है। अगर हम सही हैं और हम किसी भी समाज को चुनते हैं या किसी भी पार्टी को चुनते हैं या किसी भी हम जॉब को चुनते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि महिलाएं खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ होती है कि वो कितनी, उनमें कितना सहन शक्ति है और वो कितने अच्छे से अपने आप को संभाल करके अपने आप को, अपनी विल पावर को मजबूत करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, देखती हैं। तो वो पहली जिम्मेदारी और पहला उनका ये होता है कि पहले वो खुद ब खुद एस्टेबल करें, वो आगे बढ़ें, और वो किसी की क्या सोच है नहीं है उसको बेपरवाह करना, सबसे पहले वो इग्नोर करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी और वो आगे हैं और समाज में उनको एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। जी मैम, जी मैं और भी कुछ जोड़ना चाहूँगी। हाँ जी मैम, ये जैसे अब जो सोशल मीडिया है या फिर इन सारी चीज़ों के साथ और जो इतने कड़े जो एक्ट बन गए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, तो वो चाहे कोई भी फील्ड हो, आज जब कोई भी कुछ करने से पहले उसे भी सोचना पड़ेगा कि हाँ, अगर उसका कंप्लेंट चला जाता है कहीं पे भी तो फिर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट बन चुके हैं, एट दैट टाइम कोई पोजिशन या ये नहीं देखा जाता है। तो इसमें जो हम महिलाएँ हैं, इन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो उन सारे एक्टों का सही उपयोग करें, और जहाँ पे भी उनके साथ कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति वो ज़रूर से आवाज़ उठाएं, क्योंकि एक्ट्स तो गवर्नमेंट ने बना दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट्स बनाए हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं लोग चुप रह जाते हैं। वो चुप्पी को तोड़नी है, और इसके लिए सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा एक नेटवर्क, एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, और उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जी मैम, तो आपने देखा, मैम ने चीज़ें भी कहीं इसके बीच में दरमियान कि उन्होंने कहा कोई भी क्षेत्र बुरा और अच्छा नहीं होता, वहाँ महिलाओं को खुद ही आगे आना होता है, जैसा कि कहा दोनों मैमों ने। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, एक्ट तो है हमारे पास, बहुत सारी एक्ट है नारियों को लेके, लेकिन नारियों में ये जागरूकता कौन कहाँ से लाएगी, इसकी ज़रूरत है जागरूक होने की नारियों की, उस एक्ट के प्रति, तभी कुछ हो पाएगा। जी तो मैम, मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे कार्यक्रम को ला रही थी, तो ये आपको कहाँ तक लगता है कि ये किस हद तक सफल है? जी मैम,
सरकार की ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय योजना है और इससे डेफिनेटली बदलाव आया है। हमने देखा है कि जो लड़कियां हैं उनको एक तरह से पर मिल गए, साइकिल योजना के थ्रू जब वो स्कूल जाती हैं तो दूर दूर की लड़कियां भी अब सोचती हैं कि हम जाएं और हायर एजुकेशन को रिसीव करें और उसको देखें अब जो चीज़ें हैं। पर स्टिल अभी भी जो एक ग्राउंड लेवल पर जो वर्क है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उनके माता पिता हैं उनको जागरूक करना कि हाँ बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ पढ़ाई में भी हमें इस चीज़ों को वोकेशनल कोर्सेज जो रिलेटेड रहते हैं चीज़ें, जिसमें आप उनको शुरू से आत्मनिर्भर इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए जो कोर्सेज होने चाहिए उस तरह से डेवलप करना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ें तो पढ़ने के साथ साथ वो अपने आर्थिक रूप से वो खुद अपने स्वावलंबी हों, उस तरह से हो सकें, वो बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी योजना है और इसे और ले जाने की ज़रूरत है। जी मैम, तो मैं आपसे मैम इसी से रिलेटेड मैम आपसे मैं ये दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। ये जो सरकार ने लाएगी स्कीम तो बहुत अच्छी है, बट आप अगर देखो यहीं दूसरी ओर इससे रिलेटेड जो वारदात हुई थी प्रियंका रेड्डी से रिलेटेड आप देखो, या निर्भया केस, तो एक तरह से आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसी योजनाएँ ला रहे हैं, इसका मेन मोटिव है सरकार की ओर से कि बेटियों को जागरूक करें, उन्हें उनकी जिम्मेदारियां बताएं, उन्हें एक इस काबिल बनाएं कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, इस ओहदे पर एक जाएं जहां से वो सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन जो आए दिन हो रही है वारदात लड़कियों के साथ, जो प्रियंका रेड्डी की घटनाएं ले लो या एक पत्रकार उनके साथ ऐसी वारदात हो जा रही है जो काफ़ी घृणापूर्ण है, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे कि ये योजना में सरकार को क्या और बदलाव लाना चाहिए? जी देखिए, सरकार तो चला ही रही है, और जहाँ तक होते हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो हर जगह पे पुलिस स्टेशन हो या कहीं पे भी मीडिया, मतलब सारे फील्ड्स में जितने भी प्रोटेक्शन होने चाहिए या सर्वप्रथम जो महिलाओं के एक्शन होता तो वो तो हर जगह पे सरकार का ये कर रही है, बट महिलाओं को, और मैंने पीछे अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो कुछ समाज के कुछ नीच सोच के लोगों के कारण ही प्रियंका रेड्डी जैसे निर्भया हो या किसी आए दिन महिलाओं के साथ, अभी कुछ दिन पहले गया में हुआ, कुछ दिन पहले अभी समस्तीपुर की घटना है, तो जहाँ ये सब हो रहे हैं तो समाज को बदलना पड़ेगा, अपनी गंदी सोच को जो ये अंजाम देते हैं जिसके कारण सरकार बदनाम हो जाती है। और ये सरकार के वजह से हम लोग, सरकार बच्चियों को जितना प्रोटेक्शन, जितना बच्चियों के लिए सरकार और सोच रही है या हमारा समाज भी, बस हम लोग को जागने की ज़रूरत है, हमारा समाज को थोड़ा समझा राह, नई राह दिखाने की ज़रूरत है, हमारे समाज के कुछ नीच तबके के, क्या बोला जाए उसको, नीच सोच को, नीच की सोचों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है बस। और बाकी और देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं के प्रति। जी मैम, आपने कहा ये सोच बदलने की ज़रूरत है, तो जी मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक सोशल वर्कर भी है, तो आप सोसाइटी में जहाँ कहा जाता है कि स्कूल या एक घर, घर को कहा गया है हमारी प्राथमिक पाठशाला, और शिक्षक जो दूसरी पाठशाला होती है हमारा स्कूल होता है, वहाँ शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो हमें मार्गदर्शन दिलाते हैं, तो आप लड़कियों को जागरूक करने के लिए क्या कहोगे कि कैसे आप शुरुआती शिक्षा उन्हें क्या दोगे कि वो आगे समाज में जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? आपने कहा कि लड़कियों को क्या शिक्षा देनी चाहिए माता पिता को या कुछ भी, हम शुरू से लड़कियों को सिखाते आए हैं कि ऐसे कपड़े पहनो, इस समय वापस आ जाओ, ये तुम नहीं कर सकती हो। ये जो सोच हमारे पेरेंट्स की या हमारी थी या जो अभी भी महिलाओं की है, इस सोच को सबसे पहले तो बदलना है। और शिक्षा जो हम लड़कियों को देते हैं इस तरह की कि ऐसे नहीं करो, इससे कहीं ज़रूरी है कि जो हमारे बेटे हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं, उनको हम ये शिक्षा दें कि जो लड़कियाँ हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनका उनको प्रोटेक्शन आप दीजिए ठीक से,
आप उनको अपना बराबर का हिस्सा मानिए और किसी भी तरह से उनको कमज़ोर नहीं समझिए। और लड़कियों को हमको ये शिक्षा देनी चाहिए कि हम उनको आत्मनिर्भर कर सकें, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरह से। उसके लिए चाहे हमें मार्शल आर्ट सिखाना पड़े अपने बच्चों को या जो भी है, तो लड़कियों को हमें इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने आप को किसी तरह से भी कमज़ोर ना समझें। और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं कि हाँ कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, वो चीज़ उनकी मानसिकता को उनको समझाने के लिए वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि एज ए मात जो हम एज ए माँ हैं हम किसी बच्चे की, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। आज मुझे खुशी होती है जब मेरा बेटा कभी पूछ बोलता है कि मम्मी इन्होंने ऐसे क्यों दहेज लिया, पढ़ लिख के दहेज लेते हैं क्या, तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों की, लड़कों की सोच बदल रही है कि हमें दहेज नहीं लेना है। यही सोच एज ए पेरेंट्स सारे लोगों को बच्चों के लिए देना चाहिए और लड़कियों को और लड़कों को दोनों बराबर समझ के इक्वल शिक्षा भी देनी चाहिए और जो पैतृक संपत्ति जो होती है वो भी दोनों को बराबर देना चाहिए, ताकि ये दहेज प्रथा की जो कुरीति है कहीं ना कहीं इन्हीं सब के कारण है, तो ये ख़त्म करना। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसमें हम जो लोग समाज में रहते हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये बच्चों को, पेरेंट्स और उसके बाद स्कूल में, इन दोनों जगह इस शिक्षा की बहुत ज़रूरत है कि ये चीज़ें बताई जा सकें। जी मैम, जैसा कि मैम ने कहा कि हाँ यहाँ पे लड़कियों को शुरुआती शिक्षा दी जाती है कि तुम ऐसे रहो, ऐसा करो और बड़ों की इज्जत करो, बाहर में जाओ, जल्दी घर आ जाओ, तो ऐसा इन्होंने कहा कि ये लेसन सिर्फ बच्चियों को नहीं देना चाहिए बल्कि उन लड़कों को भी देना चाहिए, क्योंकि उनकी दोनों संतानें हैं और दोनों को इक्वली बताना चाहिए कि हाँ आप दोनों ही के लिए ये बातें हैं, आप इन पे ध्यान दो, आप जल्दी घर आओ, अच्छी चीज़ों को देखो, बड़ों का सम्मान करो, ना कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये बातें हैं। अगर ये दोनों बातें अपने बच्चों को बताएंगे तो ये काफ़ी हद तक सराहनीय होगा और समाज हमारा सुधरेगा। जी जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो NRCCA और NPR जो कि काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, इसको लेकर शाहीन बाग से लेकर पटना, कटिहार और कहें तो कई जगहों पे पूरे भारत में एक शोर समचा हुआ है, तो इसको लेकर महिलाएं का आना, सामने आना और एक बड़ी तादाद में आना, तो आपको ये लगता नहीं है कि एक जो नारी सम्मान जो होती है उसके लिए महिलाएं अगर सामने से आती तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता? अभी जो शाहीन बाग में जो आए दिन जो चल रहे हैं और NRCCA को लेकर के जो जितना मुद्दा उठ रहा है बिहार में, या ये लोग सरकार जो अभी किए हैं, ये तो बिल्कुल सही है कि जो लोग, आप ही बताओ कि जो ट्रेन में हमारे पास विदाउट टिकट हम लोग सवारी करते हैं, क्या वो सही है? तो बिहार में क्या हमारे पास जिसके ये शाहीन बाग में इतना जो शोर शराबा जो मचा रखे हैं महिलाओं लोग ने, तीन लोगों को आज किसी और मुद्दे पर क्यों नहीं आकर के लोग अब धरना प्रदर्शन किए? और आज NRCCA के मतलब लेकर के ये इतना सारा बवाल मचाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता? और ये चीज़ बेफुज, अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़िए ना आप, अपने घर में, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने घर परिवार, आप अपने समाज के लिए लड़िए ना। तो समाज के लिए जब आप खड़े नहीं हो सकते और सरकार जब जो NRCCA अभी और शाहीन बाग का जो मुद्दा चल रहा है बिल्कुल वो जेन्युइन है और वो ये उन लोगों के होड़ हंगामे से कुछ उपलब्धि मिलने वाला नहीं है। जी मैम, तो मैं कहना चाहूँगी आप राजनीति से जुड़ी है तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि चुनावी मुद्दा भी अभी पास में है, इसको लेके भी इसमें एक सरकार की चुप्पी सदी हुई है, मतलब वो लोगों को जागरूक नहीं कर रही कि वास्तविकता में NRCCA क्या है, जिसको लेके लोगों में भ्रांति आए। कोई भी ऐसी सरकार सामने नहीं आई है जो सही अर्थ में इसको बता सके कि ये NRCCA क्या है, जिसकी वजह से लोग भ्रांतिपूर्ण, आप कह सकते हो रहे हैं संदेहपूर्ण, और इसी वजह से ये वारदातें हो रही है NRCCA को लेकर, हर एक जगह कहीं धरनाएं हो रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप राजनीतिक मंच से जुड़े हो तो आपको, कि क्या कहीं ये चुनावी मुद्दे के अंतर्गत तो नहीं है इसलिए सरकार और या विपक्षी दल जो है वो बैठे हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं चलो ये चीज़ को उठाते हैं और अपने विपक्ष के पे एक वार करते हैं? जी अभी जैसा कि आपने सुरभि कहा कि NRCCA और ये शाहीन बाग में जो अभी चल रहा है, शाहीन बाग में जितनी महिलाएं और बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि शाहीन बाग में SCA और NRCCA का ये इनका फुल फॉर्म भी पता नहीं है, और ये लोग
जो सरकार के विरुद्ध में जो बैठी हुई हैं महिलाएं, बच्चों को लेके जो प्रदर्शन कर रही हैं, ये प्रदर्शन किसी समाज के लिए, किसी समाज की महिलाओं के लिए अगर करती तो शायद ज़्यादा ये होता, लेकिन बट इसमें सामाजिक कुछ लोग राजनीति दल भी खिचड़ी पका रहे हैं, इसी में बैठ कर के लोग कुछ इस समाज को, सरकार को दबाने की कोशिश, इस पे तोड़ने का बात किया जा रहा है। बट इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर ये क्या उनके लिए सही है, उनके हक में है या नहीं, इस पे उनको सोचना चाहिए। जी, बस मैं इसी पे कुछ जोड़ देना चाहूँगी कि जो अभी इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, पर अगर हमारी जो महिलाएँ हैं वो सही रूप में अगर शिक्षित हो, जिनने शिक्षा की बहुत, हमारे समाज में अभी भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा शिक्षा पर नहीं, बच्चों के ध्यान दिया जाता है, अगर वो शिक्षित रहती तो उनको खुद ये समझ में आता कि हाँ अभी हमें इस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या ये सचमुच आवश्यक है कि नहीं है। तो वो एक जो दबाव किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का हो, जिसके दबाव से वो इतने ठंड में छोटे बच्चों के साथ शाहीन बाग में बैठी हुई हैं, वो शायद ना होता, वो खुद का स्टैंड ले सकती। इसलिए शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, ताकि वो अपनी सोच के हिसाब से चीज़ों को ले सकें कि क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें। यहाँ पे मैं कहूँगी आपको, जो निर्भया कांड हुआ है या फिर अभी जो डॉक्टर रेड्डी के साथ हुआ, उसमें जो शिक्षित महिलाएँ हैं वो अगर प्रोटेस्ट करती हैं कि स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए, इस तरह से इनैक्ट होना चाहिए कि नहीं, इन चीज़ों के पीछे लोगों को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ा जाए, ये बार बार जो डेट्स मिल रहे हैं और तारीख पे तारीख के कारण टली जा रही हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों के प्रति अगर वो प्रोटेस्ट करती हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज देता है लोगों के बीच में और महिलाओं को भी जागरूक करता है कि हाँ उनके प्रोटेस्ट से एक कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच आगे बढ़ी और उसके कारण कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया। तो मुझे लगता है शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है जो कि नारी को सशक्त कर सकती है। जी, तो देखा आपने कि मैम ने कहा कि हाँ ये शिक्षा, क्योंकि NRCCAA वास्तविकता, मैंने कहा जैसा कि वास्तव में इसके मीनिंग भी नहीं पता कुछ लोगों को, जहाँ ये शाहीन बाग में महिलाएं आई और अपने बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको इसमें भाग लेने के लिए लाया स्कूली बच्चों को, तो ये कहीं हद तक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि महिलाएं अपने सम्मान के लिए भी खड़ी हो सकती थी, तो ये तारीख पे तारीख जो निर्भया कांड केस को लेके आई है, तो ये चीज़ें नहीं होती। कुछ जुडिशियल सिस्टम, जो प्रशासन व्यवस्था है हमारी, सरकार इस जगह पे जगती, हमारा समाज जगता, तो नारियों की जो हम अभी टॉपिक जिस पे बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की, तो ये काफ़ी हद तक सही साबित होता। तो चलिए चलते चलते जानते हैं मैम से कि ये नारी सशक्तिकरण जो है इस क्षेत्र में महिलाओं को कैसे आके होकर आना पड़ेगा और समाज में कैसे सुधार होने चाहिए, लोगों को कैसे मैसेज देना है, चलिए जानते हैं मैम से। जी मैम, ये नारी सशक्तिकरण जो है वास्तविकता में इसकी जो एक कामयाब वास्तविकता में नारी सशक्तिकरण जो उभर कर आनी चाहिए, लोगों में दिखनी चाहिए, तो आप महिलाओं को इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? जी, महिलाओं को सुझाव से ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की बच्चियों पर, थोड़ा बच्चियों पे हम लोग बात कर लेते हैं, महिलाओं पे बात हमने किया तो में आजकल देखा गया है कि पुरुषों पे सीधा ब्लेम किया जाता है, जैसी कुछ चीज़ें भी हो रही हैं, तो यहाँ पे कुछ होती है कि महिलाएं भी होती है या बच्चियाँ जैसे कह लो वो भी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी जी, वही मैं बता रही थी कि बच्चियों को जो है अभी वो अपने आप थोड़ा वो खुद में भी अपने आप प्रोटेक्ट रहें और वो आगे वो क्षणिक सुख में ना भटकें, वो थोड़ी सी माँ बाप का फ्रीडम का वो गलत फ़ायदा ना उठाएं, गलत ये नहीं, जिसके कारण उस आए दिन सुसाइड भी हो रहे हैं, लड़कियाँ हैंगिंग केस भी देखा जा रहा है, जिसमें बच्चियों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, या कहिए या खुद भटक रही हैं लड़कियाँ, जिससे ये भटकना वो लड़कियों को खुद डिसीजन एक मजबूत डिसीज़न लेना पड़ेगा, जिसमें वो अपने आप को कॉन्फिडेंट में रख करके वो आगे की ओर बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ना कि ये थोड़े दिन के लिए वो चार्मिंग के लिए इधर उधर भटकती हैं और उसके अंजाम में वो बहुत ही बुरा होता है, जिसके कारण बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी बहुत हद तक झेलना पड़ता है, और जब
बच्चियाँ के साथ कुछ होती है तो माँ बाप भी बहुत सारे दहल जा रहे हैं। इस पे बच्चियाँ खुद ब खुद थोड़ा कंट्रोल करें और गलत तरीकों को भटकने से, गलत जगह पे गलत चीज़ों में थोड़ा ना पड़े। मेरा बस लास्ट मैसेज यही है कि अपने आप में थोड़ा बच्चियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा और गलत और सही का डिसीजन लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जो बहुत काफ़ी हद तक देखा गया अच्छा है हमारे लिए, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखे हैं जी, तो आप उसके अच्छे एस्पेक्ट को लो और हाँ नेगेटिव को नेगेटिविटी को ज़्यादातर आप डिस्पोज करो उसमें जी। ओके जी जी मैम, आपसे मैं चलते चलते मेरा प्रश्न आपसे भी यही है कि नारी सशक्तिकरण जो वास्तविकता में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है नारी सशक्तिकरण, तो यहाँ पे महिलाओं को और बच्चियों को जो हमारे समाज में जुड़ी हुई हर एक तबके की महिलाएं हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी कि ये इस सशक्तिकरण में उनका क्या योगदान होगा जी मैम? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज इस माध्यम से देना चाहूँगी कि नारियों को या बच्चियों को जो भी हैं, सबसे पहला चीज़ है कि शिक्षित, जो मैं बार बार कह रही हूँ, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ एज अ पेरेंट बच्चों में संस्कार डालना ये हमारा धर्म बनता है, और एक अच्छे संस्कार जब हम बच्चों में शुरू से डालेंगे तब ये जो इन्होंने अभी बताया कि बच्चे गलत राह पे भटक जाते हैं या कुछ भी, आज सही है, आज के जो दुनिया में जितने सोशल मीडिया में लोग बच्चे फंसे हुए एक्टिव हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम एज अ पेरेंट्स हम अपने को भी देखेंगे तो दोषी पाएंगे कि हम उस तरह से बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते और बच्चे इसी में उलझ के रह जाते हैं, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ के लिए बच्चियों को और एज ए माताएँ जो हम हैं इन लोगों को दोनों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। चीज़ों को उनको सही क्या है गलत क्या है इसकी शिक्षा पेरेंट्स को देनी होगी, लड़कियों को सशक्त बनाना होगा, उनको भी उनके राइट्स के प्रति जागरूक करना होगा कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, जहाँ गलत है कहाँ पर आवाज़ उठानी है कहाँ नहीं उठानी चाहिए, ये सारी चीज़ें एज ए पेरेंट और स्कूल दोनों जगह सबको मिलजुल कर करना चाहिए। धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा जो हमारे स्टूडियो में आज विषय का चर्चा था विमेन एम्पावरमेंट, जी हाँ नारी सशक्तिकरण, इसको लेके हमारे साथ दो बुद्धिजीवी महिलाएं, भावना जी जो कि एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक स्कूल की डायरेक्टर भी है, और दूसरी ओर वहीं राजनीतिक क्षेत्र से अंजलि रॉय जो कि महिला प्रकोष्ठ लोजपा पार्टी से हैं, इन दोनों ने अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि नारी तभी सशक्त हो सकती है सही अर्थों में क्योंकि जब नारी एक दूसरे का साथ दे। उन्होंने कहा कि नारी को सशक्त होने के पीछे एक नारी शक्ति ही काम करेगी। उन्होंने नारियों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने नारियों से कहा कि एक समाज में जो हमारी एक घर जो हमारा होता है वो एक प्राथमिक आप कह सकते हो शिक्षा का क्षेत्र है, जहां हमारी माँ जो सबसे पहले हमें समझाती है कि हाँ बच्चों को एक लेसन देती है कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उन्हें इक्वली दोनों बच्चों को, चाहे वो उनका बेटा हो या बेटी हो, दोनों को साथ में मैसेज दे कि आप दोनों के लिए ये मैसेज है कि आप अच्छे कार्यों को करो, अच्छे से लोगों के साथ पेश आओ। और ये एक बात सिर्फ लड़कियों को नहीं जागरूक करना चाहिए कि बेटी तुम जल्दी घर आ जाना, क्योंकि एक बेटों को भी एक दायरे उनके दायरे बताने चाहिए, ना कि सिर्फ बेटियों के लिए कुछ दायरे होने चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई क्षेत्र या कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ खराब चीज़ें नहीं होती है। ज़रूरत है महिलाओं को जागरूक होने की, क्योंकि फील्ड अच्छा और बुरा नहीं होता, वो लोगों की सोच और अच्छी बुरी होती है। महिलाओं को खुद ही एक जागरूकता लानी होगी, उन्हें खुद में एक सक्षम बनना होगा, खुद में एक ताकत बनना होगा कि वो लोगों को सामने एक चुनौतीपूर्ण अपने जो उनका एक मुकाम है उस तक वो आगे पहुँचे। और दूसरी ओर हमारी जो साथी भावना जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि समाज जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है औरतों के लिए, वहाँ जहाँ औरतों को देवी का सम्मान दिया गया है, देवी की तरफ पूजा गया है, तो उन्हें ये शिक्षा शुरू से देनी चाहिए। शिक्षकों को ज़रूरत है कि अपने स्टूडेंट्स को, जो लड़के हैं लड़कियाँ, उनको ये बताने की कि आप स्कूली क्षेत्र जो हमारा है उस दायरे में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप लड़कों को ये शिक्षा दो कि वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि एक समाज
सिर्फ एक औरतों से नहीं बनता, लेकिन समाज में औरतों की भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। औरतें सिर्फ एक नारी ही नहीं, नारी शक्ति का रूप है, जहां औरतें एक माँ, एक बहन, एक पत्नी और बहुत क्षेत्रों में बहुत नाम हैं उनके। तो हर एक क्षेत्र में बिना नारी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक तरह से कह सकते हो एक समाज जहां नारी के बिना एक समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक परिवार की बहुत ही बड़ी नींव होती है नारी, एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, एक सहपाठी के रूप में। आप कह सकते हो नारी एक अच्छी भूमिका निभाती है। और यहाँ जहाँ तक अगर हम बात करें तो आंकड़ों की, पिछले प्राचीन समय से लेके अब तक नारियाँ बहुत ही हद तक काफ़ी चीज़ों से उभर कर आई हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे देखो आप सती प्रथा की बात करो या बाल विवाह, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। अब बहुत क्षेत्रों में सरकार ने भी हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं हद तक काफ़ी सकारात्मक इसके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। वहीं आप देख लो अगर दूसरी ओर नारी की स्थिति काफ़ी हद तक उभरती हुई नज़र आई है, क्योंकि जहाँ नारियाँ पहले डिफेंस में नहीं जाती थी, आज नारियाँ, जी हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो शिवांगी जी हैं वो बिहार की हैं, उन्होंने भी एक अपना नाम उसमें परचम अपना लहराया है जी। तो मैं कहना चाहूँगी आज नारियाँ किसी भी हद तक, नारी शक्ति जो आप कह लो, वो किसी हद तक नीचे नहीं जा रही है, दिन पर दिन उसको उभरता हुआ एक आप कह सकते हो उभरती हुई नज़र आ रही है। नारियाँ आज आप देख सकते हो राजनीतिक फील्ड में समाज सेविका के रूप में, या कहे तो फिल्मी जगत में एक नायिका के रूप में, या एक रोल मॉडल के रूप में नारियाँ उभर कर आई हैं, चाहे वो डॉक्टरी लाइन हो या कोई भी फील्ड हो या रिपोर्टिंग लाइन हो, हर एक क्षेत्र में नारियाँ उभर कर आई हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम का हमारा मेन मोटिव था नारी सशक्तिकरण को उजागर करना, और आप लोगों को, नारियों को यह बताना कि नारी सशक्तिकरण क्यों, ये वर्ड लाया गया, ये शब्द क्यों लाया गया, जबकि नारी खुद में एक शक्ति है। तो आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ और बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं उसको मिलकर, सिर्फ एक नारी ही नहीं, सारी नारियों को उसमें सहयोग देना होगा ये, और साथ ही सारे पूरे ही समाज को, पूरे देश को इसमें आगे उठकर उठाना होगा। एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूँगी कि नारी की इज्जत सिर्फ बोलने से नहीं होगी। यहाँ देखा गया है एक भाई जो कहता है कि अपनी बहन को, या एक पिता अपनी बेटी को कहता है, तुम हमारे घर का गौरव हो, तुम हमारा मान हो, तुम सम्मान हो, हमारी इज्जत रखना, हमारा नाम मत खराब करना। तो जहाँ वहीं एक और हम देखें जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि खुले में शौच, बहुत सारी चीज़ें इस पर काम भी की गई है सरकार की ओर से, लेकिन उस समय ये बातें बेकार ही नज़र आती हैं, क्योंकि अगर गांव की स्थिति देखो तो वहाँ पे औरतों का यह हाल है कि उन्हें खुले में शौच करने पर वो मजबूर है। तो उस समय बेटी की और अपनी माँ और बेटियों की इज्जत उन्हें नहीं दिखती। तो मैं कहूँगी कि जो वो कहते हैं वास्तविकता में, कथित रूप में वो ना करें, वो अपने व्यवहारिक ज्ञान में भी इस चीज़ों को लाए, सिर्फ औरतों को समझाए नहीं, वास्तविकता में एक, अगर जिस दिन एक पुरुष भी औरतों के साथ मिलकर अगर इस फील्ड में वर्क करे और सही अर्थों में अगर वो इस चीज़ को लाए, तो कहीं ना कहीं हद तक ये नारी सशक्तिकरण, नारी की स्थिति हमारे समाज में सुधरेगी। तो कुछ ऐसे ही विषयों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आर्यभट्ट न्यूज़। आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पे लाइक कर सकते हैं, Insta और Twitter पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।